हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपनी हेडजर्नी की वीपीएस को आरडीबी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक वीपीएस लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है कि आपको कौन सी लोकेशन चाहिए, और बाकी किसी चीज़ को चेंज नहीं करना। और उसके बाद आपने इसका जो सीपीयू है उसका आपने देख लेना है, जो आपके हिसाब से ठीक लगे आपको वो वाला आपने सेट कर लेनी। उसके बाद ये इसको IP6 को प्राइवेट कर देने। उसके बाद नेक्स्ट आप न्यू से जाने, और यहाँ पे जो आपके VPS होगा इसका नेम आपने रख लेना जो भी आपको सूटेबल लगे। उसके बाद आपने ये यहाँ पे क्रिएट एंड बाय कर देने। ये आपका कॉन्फ़िगर हो रहा है आपका RDP। वो ये कंफिगर हो गया है। आपने इसके बाद इसको ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपने इसका कंसोल को ओपन करके देखना है कि आपका VPS जो है वो एक्टिव हो चुका है, आपकी जो IP है वो एक्टिव हो गई है या नहीं। उसके बाद इसको ऑफ करके ऑन करना है, और उसके बाद आपने इमेज वो ISO इमेज में आ जाना। पर यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है विंडोज सर्वर 2019 इंग्लिश में, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, माउंट कर देना है सबसे पहले। और उसके बाद इसको सर्वर को बंद करके दोबारा ऑन करना है। तो हमारा जब VPS ऑन हो जाएगा तो आपने दोबारा कंसोल को ओपन कर लेना है। कंसोल ऑन के बाद हमारे जो है आपने GUI मोड जो है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको इसका ग्राफिकली इंटरफेस आपको शो हो। और जो हमारा विंडोज़ का इंटरफेस है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। यहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन करनी है विंडो की। इसकी इंस्टॉलेशन जो होगी वो जैसे हम नॉर्मली PC के अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं वैसे ही होगी। यहाँ पे आपने इसका जो विंडोज का वर्जन है वो सेलेक्ट कर लेना है, आपको कितने बिट में चाहिए। इसके बाद इसको आप नेक्स्ट करते जाना, और यहाँ पे अपन पार्टीशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको पार्टीशन शो नहीं होती तो आपने यहाँ पे लोड में जा के देखना है। और उसके बाद आपने इसकी जो विंडो की 2019 वाला जो वर्जन है वो इसको, ये वाला वर्जन जो अपनी विंडोज वीडियो में देख सकते हैं कि इसको आपने माउंट करना है। माउंट होने के बाद आपने यहाँ पे इसको लोड करना है, ब्राउज में जाना है, और यहाँ पे जो आपको ये इसका CD-ROM का इंटरफेस शुरू हो रहा होगा इसको आपने यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेना है। इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी जो ड्राइव्स हैं वो आपके पास माउंट होगी। इसके बाद आपने इसको करना है, फाइल्स को कर देना है डिलीट, पार्टीशंस को जो आपके पास शो हो रही होंगी तमाम पार्टीशंस को आपने सबसे पहले डिलीट करना है। जो हमारी लास्ट रहेंगी वो उसको डिलीट कर दें। उसके बाद आपने न्यू पार्टीशन क्रिएट करनी है, उसको ओके कर देना है। जो आपकी प्राइमरी होगी ड्राइव आपने सिर्फ उसी को यूज़ करना है। उसके बाद आपने उसको मिनिमाइज करके जो आपका सर्वर की विंडो का ISO होगा वो आपने माउंट दोबारा से करना है। माउंट होने के बाद आपने दोबारा कंसोल में चले जाना है।
और उसके बाद इसको आपने नेक्स्ट कर देने, यहाँ पे आपकी जो फाइल्स होंगी विंडोज़ की वो कॉपी होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, इसमें एक दो जो प्रोसीजर हैं जहाँ पे आपके पार्टीशन शो नहीं हो रही होती, सिर्फ आपने वहाँ पे इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं, बाकी आपकी जो नॉर्मल विंडो 10 आप या विंडो सर्वर विंडो करते हैं तो सेम प्रोसीजर वो सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये दो प्रोसेस आपके एक्स्ट्रा हैं नॉर्मल विंडो से, और इसको अब इंस्टॉल होने के लिए शुरू हो गई है, तो इसको वेट करते हैं हम जब तक हमारी विंडो इंस्टॉल हो रही है। ये नॉर्मल टाइम लेगी जितना टाइम आम विंडोज़ लेती हैं। जी हमारी ये विंडो इंस्टॉल हो गई है। अभी हमारा जो सिस्टम है RDP का, ये हमारा सर्वर रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद ये दोबारा से स्टार्ट होगा। जो हमारे नॉर्मल विंडोज़ होती हैं जैसे उसमें हम उसका सेटअप करते हैं फर्स्ट टाइम, तो सेम प्रोसीजर होगा आपकी सर्वर विंडो के लिए भी। ये आपकी जो सर्वर विंडो है ये स्टार्ट होगी, यहाँ पे आपने इसका जो सेटिंग है यूज़र नेम पासवर्ड इसका सेलेक्ट करना है। जो भी अपना मर्जी का पासवर्ड रख सकते हैं, जो आपको अपने हिसाब से रखना है, कोई फिर स्पेसिफिक पासवर्ड नहीं है जो आपने रखना है, आपका जो दिल करे आप वो पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ हमें वेरीफाई करना है, इसको री एंटर करना है पासवर्ड को, उसके बाद फिनिश कर देना है आपने। उसके बाद आपका जो विंडो सर्वर है वो ऑन हो जाएगी। और उसके बाद आपने सबसे पहले जो अपने इसकी जो सर्वर की विंडोज़ को माउंट किया तो उसको अनमाउंट कर देना है, तो
उससे आपका जो सीडी रोम का जो ड्राइव थी वो क्रिएट हुई थी वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आपने आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये जो विंडो का वर्जन शो हो रहा है आपने इसको माउंट करना है। उसके बाद आपने इसका जो कंसोल था उसमें वापस आ जाना है, और यहाँ पे आपने इसके आके जो आपका पासवर्ड लिखा था आपने वो पासवर्ड लगा देना इसमें। पासवर्ड लगाने के बाद आपका जो सर्वर है विंडो सर्वर वो ऑन हो जाएगी, और इसमें आपने इसका जो देख सकते हैं स्पेसिफिकेशंस, इसकी ड्राइव्स आपको शो हो जाएंगी। उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ का जो सारा कुछ। उसके बाद ड्राइवर ही आपने सबसे पहले इसको इंस्टॉल करनी है, इसका जो ड्राइवर है वो भी सेम लिखनी है। आपने यहाँ पे जाके इसको एडिट करना है और इसको अपडेट करना है, और आपने ब्राउज़ में जाके यहाँ पे इसकी फ़ाइल को ब्राउज करना है, इसको जो हमने वो माउंट किए थे वहाँ से वो वाली फ़ाइल हमने जाके उसमें हमने इसके ड्राइवर ढूँढने यहाँ पे इस फाइल के अंदर हमारे पास इसके ड्राइवर्स हैं, इसको हम करते हैं नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे ड्राइवर अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद नेटवर्क, सबसे पहले हमने नेटवर्क का ड्राइवर इंस्टॉल किया है। उसके बाद हमारे पास ये नेटवर्क का ड्राइवर हो गया, क्योंकि ये सबसे पहले हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए इसका चाहिए। इसके बाद आपने इसके चला जाना है फाइल मैनेजर में, और यहाँ पे दिस पीसी के मैनेज दोबारा मैनेज में चला जाना है आपने। और प्रॉपर्टी में जाके आपने दोबारा से इसका जो है रिमोट डेस्कटॉप का सेक्शन है आपने उसको ओपन कर देना, उसको अलाउ कर देना आपने इसको, ताकि हम इसको रिमोटली एक्सेस कर सकें। अब इसका हम बंद कर देते हैं। अभी हम इसका जो आईपी इसको कॉपी करके हम जो हमारा पीसी के अंदर जो हमारा आरडीपी का हमारा कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश करते हैं। आईपी डाल के इसका पासवर्ड जो आएगा और जो है इसका पासवर्ड और यूज़र नेम डालेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे और इसको यस कर देंगे। ये देखिए हमारा जो आरडीपी है वो रिमोटली कनेक्ट हो चुका है हमारे सिस्टम के साथ। अभी हम इसके ब्राउज़र में जाके इसका हम करते हैं स्पीड टेस्ट करते हैं कि हमारे जो सर्वर है उस पर हमें कितनी स्पीड हमें प्रोवाइड की गई है और कितना इसका अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड है। इसको हम रन करते हैं। इस टाइम हमारे पास तकरीबन 2800 के आसपास जो थी वो हमें शो हो रही थी मैक्सिमम। अभी फाइनल रिजल्ट का वेट करते हैं कि ना। अभी हमारे पास 2167 डाउनलोडिंग Mbps डाउनलोडिंग मिल रही है और अपलोडिंग का रिजल्ट आने तक वेट करते हैं। और 2893